बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मनसूबे से कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। वजीर आजम का एक रोजा दौरा लाहौर, वाल्टन में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मनसूबे का संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब, कहा वाल्टन एयरपोर्ट को डी नोटिफाई किया जाएगा। फैलते लाहौर का हल, बुलंद इमारतें हैं। तनख्वाहदार तबका जाती घर का सिर्फ ख्वाब ही देख सकता है, इनको आसान शराइत पर कर्ज देने के लिए इकदाम कर रहे हैं। पाकिस्तान और कतर के दरमियान एलएनजी का अहम मुआहदा तय पा गया, कीमत कम करने पर रजामंदी, $2 अरब बचेंगे। वजीर तवानाई उमर अयूब और कतर के वजीर तवानाई ने मुआहदे पर दस्तखत किए। वजीर आजम इमरान खान भी मुआहदे की तकरीब में शरीक थे। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन तालिबान कमांडर हलाक। आईएसपीआर के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले में तालिबान कमांडर नूरस्तान और हसन बाबा हलाक हो गया। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके शरमगी में हलाक तालिबान कमांडर 2007 से 50 अहलकारों की शहादत में मुलव्वस था। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद कचहरी में वुकला चैम्बर्स गिराने से रोक दिया, अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। आइंदा समाप्त तक इंतजामिया कोई कार्रवाई ना करे, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि दबाव ना डालें, अदालत के दबाव में नहीं आएगी। वुकला को अवामी मुकामात पर कब्जा नहीं करना चाहिए, ऐसी हरकतें वुकला को जेब नहीं देती। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात के लिए जाब्ता इखलाक जारी कर दिया। सियासी जमातों से मुशावरत, सदर और गवर्नर्स सेनेट इलेक्शन मुहिम में हिस्सा नहीं लेंगे। सियासी जमातें और उम्मीदवारान कवानीन पर अमल दरामद करेंगे, किसी सरकारी इदारे मुलाजिम से किसी तरह की इमदाद हासिल नहीं करेंगे। आवाम के लिए बुरी खबर, पेट्रोलियम मसनूआत में 20 रुपए इजाफे की तजवीज। 1 मार्च से ओगरा ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का इशारा कर दिया। समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल पेट्रोलियम मसनूआत की मुजवजा कीमतों का तायुन 30 रुपए फी लीटर लीवी की बुनियाद पर होगा। भारत पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल कराने में नाकाम, शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमने कानून साजी समेत भरपूर काविशें की। पाकिस्तान टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ संजीदा है। FATF और सीज फायर मुआहदे के हवाले से 27 में से 24 पॉइंट पर पाकिस्तान के मुकम्मल अमल दरामद का मुआतरफ है। इकदामात के बायस पाकिस्तान को अब ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला जा सकता। विफाकी वजीर हमाद असर की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, FATF को भारत ने अपने मजमूम अजायम के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, आया हो चुका भारत खुद दहशतगर्दों की माली मुआवनत में मुलव्वस है। वजारत तवानाई की बिजली की पैदावार का मंसूबा खत्म करने की सिफारिश, बैरूनी फंडिंग से चलने वाले जाम शोरो पावर प्लांट के यूनिट 2 पर काम रोक देने की सिफारिश। वजीर इक्तसादी अमूर खुसरो मुख्तियार की जेर सदारत इजलास, 2.8 अरब डॉलर लागत के मुश्किलात से 2-4-6 एनर्जी प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया गया। अपोजिशन की सियासी मुनाफकत पर हर रोज आया हो रही है। वफाकी वजीर इत्तला'आत और सैनेटर शिबली फराज ने अपने ट्वीट में कहा कि कल तक इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज करने वाले आज इस इदारे के हामी बन गए। बार बार मौकफ बदलना और अपने ही बयानिए की नफी करना अपोजिशन की पहचान बन गया। जेल में गलने सड़ने नहीं दे सकते, लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने हमजा शहबाज की रिहाई का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने फैसले में करार दिया है कि मुलजमान को प्रोसिक्यूशन के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। 24 फरवरी को हार्डशिप बुनियाद पर दरख्वास्त जमानत मंजूर।
सिंध असम्बली इजलास में हुकूमत और अपोजिशन अरकान की झड़प। पीपल्स पार्टी के अरकान तैमूर तालपुर और बुरहान चांडियों की अपोजिशन अरकान पर हमले की कोशिश की। वक्फा दुआ के दौरान ऐवान में हुकूमत और अपोजिशन अरकान में तलखी हुई। तैमूर तालपुर की धमकी, कहा इधर आओ तुम्हें बताता हूँ। पीटीआई के उमर उमरी ने बुरहान चांडियों को आगे बढ़ने से रोका। कोरोना ने मजीद 32 अफराद की जिंदगी छीन ली। 24 घंटे के दौरान 1,541 नए केसेस रिपोर्ट हुए। अब तक 88,73,741 अफराद के टेस्ट किए गए। 24 घंटों के दौरान 41,849 नए टेस्ट किए गए। 5,42,393 मरीज सेहतयाब। मुल्तान सुल्तान्स का तक मेडा सोना आते ही छा गया। सराय की रवायती अंदाज लिए ये तराना अब तक जारी ऑफिशियल तरानों के मुकाबले में खासा दमदार है, जिसे कुरातुलैन बलोच और सोच बैंड के अदनान धोल ने गाया है। मारगला हिल्स पर आग लग गई। इस्लामाबाद में सैयदपुर विलेज के वाइल्ड लाइफ के अमले ने आग पर काबू पा लिया। इन दिनों परिंदों की अफजाइश नस्ल का मौसम है। मारगला हिल्स पर लगने वाली आग से परिंदों की अफजाइश पर बुरे असरात मुरतब हो सकते हैं। पाक भारत जंग बंदी पर इक़वामे मुत्तहिदा और अमरीका का खैर मकदम। इक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने कहा कि पाकिस्तान और भारत की तरफ से जारी मुश्तरका बयान से हौसला मिला। अमरीका ने भी जंग बंदी से मुतालिक पाकिस्तान और भारत के मुश्तरका इलामिया का खैर मकदम किया। और अर्जेंटीना के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयरस में हवा के बगोले ने शहरियों को खौफजदा कर दिया। बाद में मालूम हुआ कि वो मच्छरों का झुंड था। एक मोटरसाइकिल सवार ने बना डाली वीडियो, जिसमें देखा जा सकता है कि हवा का एक बड़ा बगोला शहर की जानिब बढ़ रहा है। मोटरसाइकिल सवार का कहना है कि मच्छरों के झुंड बहुत ज्यादा था और मुसलसल बढ़ता ही जा रहा था, जो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर स्टूडियो से मैं हूं सोनिया शेख। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, तालिबान कमांडर हलाक। आईएसपीआर के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले में तालिबान कमांडर नूरस्तान उर्फ हसन बाबा हलाक हो गया। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके शरमंगी में हलाक तालिबान कमांडर 2007 से 50 अहलकारों की शहादत में मुलव्वस था। बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मंसूबे से कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। वजीर आजम का एक रोजा दौरा लाहौर। वाल्टन में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मंसूबे का संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा वाल्टन एयरपोर्ट को डी नोटिफाई किया जाएगा। फैलते लाहौर का हल इमारतें हैं। तनख्वाहदार तबका जाती घर का सिर्फ ख्वाब ही देख सकता है। इनको आसान शराइत पर कर्ज देने के लिए इकदाम कर रहे हैं। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मंसूबा आमदनी बढ़ाने में किरदार अदा करेगा। आज कतर से एलएनजी का नया मुआयदा हुआ है, जिससे $300 मिलियन की बचत होगी। दौरा लाहौर के दौरान वजीर आजम ऐवान वजीर आला में मुख्तलिफ इजलासों की सदारत भी करेंगे। इमरान खान को वजीर आला उस्मान बुज़दार सूबे के इंतजामी और सियासी अमूर पर ब्रीफिंग भी दी गई। पाकिस्तान और कतर के दरमियान एलएनजी का अहम मुआयदा तय पा गया। कीमत कम करने पर रजामंद, $2 अरब बचेंगे। वजीर तवानाई उमर अयूब और कतर के वजीर तवानाई ने मुआयदे पर दस्तखत किए। वजीर आजम इमरान खान भी मुआयदे की
तकरीब में शरीक थे। मुशीर पेट्रोलियम नदीम बाबर का कहना है कि मुआहदे से बाहमी तालुकात के नए दौर का आगाज होगा और इक्तिसादी ताउन की राहें हमवार होंगी। कतर के साथ LNG का बेहतरीन मुआहदा वजीर आजम की क्यादत में तय पाया। कतर से LPG और पेट्रोकेमिकल्स के हसूल के लिए भी मुआहदे होंगे। आवाम के लिए बुरी खबर, पेट्रोलियम मसनूआत में 20 रुपए इजाफे की तजवीज। 1 मार्च से ओग्रा ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का इशारा कर दिया। समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अड़ताल कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की मुजवजा कीमतों का तायुन 30 रुपए फी लीटर लीवी की बुनियाद पर किया गया। जराए का कहना है कि समरी में पेट्रोल की कीमत फी लीटर 20 रुपए 7 पैसे इजाफे और डीजल की कीमत में 19 रुपए 61 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज दी गई है। मौजूदा लेवी की बुनियाद पर पेट्रोल और डीजल की कीमत में 6-6 रुपए और लीटर इजाफा बनेगा। फी लीटर पेट्रोल पर मौजूदा लेवी 17 रुपए 97 पैसे और फी लीटर डीजल पर मौजूदा आयद लेवी 18 रुपए 36 पैसे है। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात के लिए जाब्ता इखलाक जारी कर दिया। सियासी जमातों से मुशावरत, सदर और गवर्नर सेनेट इलेक्शन मुहिम में हिस्सा नहीं लेंगे। सियासी जमातें और उम्मीदवारान कवानीन पर अमल दरामद करेंगे। उम्मीदवारान और इनके हमायती किसी सरकारी इदारे मुलाजिम से किसी तरह की इमदाद हासिल नहीं कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात के लिए सियासी जमातों, उम्मीदवारों, इलेक्शन एजेंट्स और पोलिंग एजेंट्स का जाब्ता इखलाक जारी कर दिया। इस्लाम, नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ कोई प्रोपेगंडा या राय नहीं दी जा सकेगी। तमाम जमातें और उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन की साख को नुकसान पहुंचाने से गुरेज करेंगे। भारत पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल कराने में नाकाम रहा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमने कानून साजी समेत भरपूर काविशें की। पाकिस्तान टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ संजीदा है। FATF और सीज फायर मुआहदे के हवाले से 27 में से 24 पॉइंट्स पर पाकिस्तान के मुकम्मल अमल दरामद का मौतरफ है। रवा साल जून तक हम बकिया 3 पॉइंट्स पर भी अमल दरामद कर लेंगे। पाकिस्तान ने ये इकदाम सिर्फ FATF के लिए नहीं बल्कि अपने कौमी मकासद में किए हैं। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी कीमत चुकाई है। पाकिस्तान के 22 इकदामात के बायस पाकिस्तान को अब ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला जा सकता। वफाकी वजीर हमाद असर की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। FATF को भारत ने अपने मजमूम अजायम के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। आया हो चुका भारत खुद दहशत गर्दों की माली मुआवनत में मुलविस है। FATF के हवाले से पाकिस्तान ने मिसाली कारकर्दगी का मुजाहरा किया। FATF के 27 एक्शन प्लान में से 24 मुकम्मल कर लिए गए। कोशिश है कि जून में FATF एक्शन प्लान के 27 नुकात मुकम्मल कर लिए जाएंगे। 3 अहदाफ रह गए हैं, वो भी जल्द पूरे कर लेंगे। कोरोना के बावजूद टारगेट को हमने बड़ी हद तक पूरा किया है। हुकूमत मिली तो टास्क था पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट होने से बचाया जाए। FATF की तरफ से दिए गए टास्क को 90% मुकम्मल कर लिया गया। वजारत तवानाई की बिजली की पैदावार का मंसूबा खत्म करने की सिफारिश। बैरूनी फंडिंग से चलने वाले जाम शोरो पावर प्लांट के यूनिट 2 पर काम रोकने की तजवीज। वजीर इक्तसादी अमूर खुसरो मुख्तियार के जेर सदारत इजलास हुआ। 2.8 अरब डॉलर की लागत के मुश्किलात से 2-4-6 एनर्जी प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया गया। वजारत तवानाई ने कौमी राबता कमेटी से कहा के 660 मेगावाट के जाम शोरो पावर प्लांट के यूनिट 2 का मंसूबा तर्क कर दिया जाए जिस पर कोई पेशरफ नहीं हो रही। इस यूनिट की तामीर के लिए 30.4 करोड़ डॉलर कर्ज लिया गया था। जराए के मुताबिक यूनिट 2 की तामीर रोक देने के बावजूद यूनिट 1 से पैदा की जाने वाली बिजली की लागत साहिवाल पावर प्लांट से कम होगी। पिछले 7 साल में पावर डिवीजन अराजी से मुतालिक मामला ही तय नहीं कर पाया।
अपोजिशन की सियासी मुनाफकत हर रोज आया हो रही है। विफाकी वजीर इत्तला'आत और सैनेटर शिबली फ्राज ने अपने ट्वीट में कहा कि कल तक इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज करने वाले आज इस इदारे के हामी बन गए। बार बार मौके बदलना और अपने ही बयानिए की नफी करना अपोजिशन की पहचान बन गया। शिबली फराज का कहना था कि चट भी मेरी पट भी मेरी, आंटा मेरे बाप का, अपोजिशन के लिए वही फैसले काबिले कबूल हैं जो इनकी मंशा के मुताबिक हों। इलेक्शन जीतने हो तो शफाफ और मुनसिफाना, हार गए तो धांधली का वावेला। साबित हुआ कि इमरान खान के दौर में इलेक्शन कमीशन आजाद, खुद मुख्तार और फ़ाल है। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद कचहरी में बुकला चैंबर्स गिराने से रोक दिया। अटॉर्नी जनरल को नोटिस भी जारी कर दिया। आइंदा समाअत तक इंतजामिया कोई कार्रवाई ना करे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि दबाव ना डालें, अदालत किसी के दबाव में नहीं आएगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बुकला के गैर कानूनी चैम्बर्स गिराने के हुक्म के खिलाफ अपील पर समाअत की। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि रोस्ट्रम से पीछे हट जाएं, सब लोग आगे क्यों आ गए, क्या हमको आवाज नहीं आ रही, हम बुकला को अच्छी तरह जानते हैं, हम भी वकील रह चुके हैं, ये काम कभी नहीं करेंगे। जहां कुछ वकील इकट्ठे होते हैं कुछ उल्टा बोलते हैं और करते हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, ये क्या तरीका है, जहां 4 वकील जमा हो माइक्रोफोन उठाकर तकरीरें शुरू कर दी। जेल में गलने सड़ने नहीं दे सकते। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने हमजा शहबाज की रिहाई का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने फैसले में करार दिया कि मुलजमान को प्रोसिक्यूशन के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। 24 फरवरी को हार्डशिप बुनियाद पर दरख्वास्त जमानत कबूल की थी। अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि ट्रायल कोर्ट की ऑर्डर शीट पर लगता है कि दरख्वास्त गुजारान हर पेशी में मौजूद होते हैं, अगर कभी वकील ना आए तो इसका कसूरवार दरख्वास्त गुजार नहीं होता। वुकला की एहतसाब अदालत में अदम हाजिरी हाई कोर्ट या आला अदलिया में पेशी के बायस हुई। हमजा शहबाज केस के मरकजी मुलजिम नहीं है और इनका केस शहबाज शरीफ के बराबर नहीं है। मुलजमान समाअत के दौरान ट्रायल कोर्ट के रूबरू बाकायदगी से पेश हो रहे हैं। सिंध असेंबली इजलास में हुकूमत और अपोजिशन अरकान की झड़प। पीपल्स पार्टी के अरकान तैमूर तालपुर और बुरहान चांडियों के अपोजिशन अराकीन पर हमले की कोशिश। वक्फा दुआ के दौरान ऐवान में हुकूमत और अपोजिशन अरकान में तलखी हुई। तैमूर तालपुर की धमकी, कहा इधर आओ तुम्हें मैं बताता हूं। पीटीआई के उमर उमरी ने बुरहान चांडियों को आगे बढ़ने से रोका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असेंबली खुरम शेर जमान ने कहा, ईमान को कुत्ते ने काटा जिससे इनका इंतकाल हुआ। सिंध में आजकल कुत्तों का राज है। खुरम शेर जमान के रिमार्क्स पर हुकूमती अरकान ने शदीद एहतजाज किया। सूबाई वजीर बराए एक्साइज मुकेश कुमार चावला ने कहा कि बैठ जाओ और अपनी जुबान पर काबू रखो। ऐवान में अपोजिशन रुकन के साथ धमकी आवेज रवैया भी अपनाया और अपोजिशन रुकन खुरम को कुत्ता कह दिया। कोरोना ने मजीद 32 अफराद की जिंदगी छीन ली। 24 घंटे के दौरान 1,541 नए मरीज, अब तक 88,73,741 अफराद के टेस्ट किए गए। 24 घंटों के दौरान 41,849 नए टेस्ट किए गए। 5,42,393 मरीज सेहतयाब हुए। 1,558 मरीजों की हालत तश्वीशनाक है। मारगला हिल्स पर आग लग गई। इस्लामाबाद में सैयदपुर विलेज के वाइल्ड लाइफ के अमले ने आग पर काबू पा लिया। इन दिनों परिंदों की अफजाइश नस्ल का मौसम है। मारगला हिल्स पर लगने वाली आग से परिंदों की अफजाइश पर बुरे असरात मुरतब हो सकते हैं, ताहम अब सूरत हाल काबू में है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तर्जुमान का कहना था कि मारगला पहाड़ियों में लगी आग पर काबू पाने के लिए 1 एयरफोर्स और 2 आर्मी हेलीकॉप्टर्स हिस्सा लिया है। सबसे पहले बड़ी अमाम की पहाड़ियों में भड़कने वाली आग को बचाना और बुझाना लाजमी था, क्योंकि आग पहाड़ों से मुत्तसिल आबादी की जानिब बढ़ रही थी। अगर इस पर काबू ना पाया जाता तो किसी बड़े सानहे का खदशा था, ताहम अब सूरत हाल काबू में है।
मखदूम यूसुफ रजा गिलानी 9 जून 1952 को मुल्तान में पैदा हुए। साबिक वजीर आजम का बाअसर जागीरदार पीर घराना कई नस्लों से सियासत में मजबूती से कदम जमाए हुए है। 1970 में ग्रेजुएशन और 1976 में यूनिवर्सिटी से एमए सहाफत किया। 1985 में गैर जमाती इंतखाबात में हिस्सा लिया। वजीर हाउसिंग और तामीरात, वजीर रेलवे बनाए गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बाद में मुल्तान से पीपल्स पार्टी के टिकट पर 5वीं मर्तबा रुकने असेंबली मुंतखब हुए। यूसुफ रजा गिलानी ने मुसलसल 4 साल सबसे तवील मुद्दत वजीर आजम पाकिस्तान रहने का एजाज हासिल किया। 19 जून 2012 को तोहीन अदालत के मुकदमा में सजा की वजह से पार्लिमान रुकनियत और वजीर आजम के ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। मिंटात सियासत का आगाज सन 1978 में हुआ और 1983 में जिला कौंसिल के इंतखाबात में लिया। पीपल्स पार्टी की टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लिया और अपने मद्दे मुकाबिल नवाज शरीफ को शिकस्त दी, जो कौमी असेंबली की 4 निशस्तों पर उम्मीदवार थे। रावलपिंडी की एहतसाब अदालत ने सितंबर 2004 में यूसुफ रजा गिलानी को कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट में 300 मुलाजमीन गैर कानूनी तौर पर भर्ती करने के इल्जाम में 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी। 2006 में यूसुफ रजा गिलानी को अदालती हुक्म पर रिहाई मिल गई। यूसुफ गिलानी ने अडियाला जेल में दौरान कैद अपनी याददाश्तों पर मन भी एक किताब चाहे यूसुफ से सदा भी लिखी। ग्रेड 18 की ऑफिसर कुरातुलैन फातिमा की खिदमात इलेक्शन कमीशन के सपुर्द। कुरातुलैन फातिमा तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के फराइज सर अंजाम देंगी। इस सिलसिला में बाजाबता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कुरातुलैन फातिमा इससे कबल पाकिस्तान रेलवे में तर्जुमान के फराइज सर अंजाम दे रही थी। रेलवे की तारीख में पहली खातून ऑफिसर हैं जिन्होंने बतौर तर्जुमान रेलवे में 4 साल खिदमात सर अंजाम दी। उन्होंने विफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक, शेख रशीद अहमद और आजम सवाती खान के साथ काम किया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान रेलवे निसार अहमद मेमन और दीगर रेलवे अफसरान ने इनकी रेलवे के लिए 4 साल मेहनत, लगन और दयानतदारी को सराहा। कुरातुलैन फातिमा का शुमार उन अफसरान में होता है जिन पर इदारे नाज करते हैं। हाल ही में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर निसार अहमद मेमन ने उन्हें रेलवे की जानिब से उनकी बेहतरीन कारकर्दगी के एतराफ में शील्ड भी पेश की। शेर खुदा मौलाए कायनात मौलूद हुरम अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्ने अबी तालिब का योम विलादत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। सदीक ट्रेड सेंटर लाहौर के सदर सईद अजहर अब्बास शाह ने केक काटा। इस मौके पर ताजरों ने कसीर तादाद में शिरकत की। खसूसी तकरीब में लंगर का वसी इंतजाम किया गया। अपने खिताब में सैयद अजहर अब्बास शाह ने कहा कि अली अल्लाह और नबी तक रसाई का रास्ता है और उम्मत मुस्लिमा के इतिहाद का मरकज है। मुल्क भर में हजरत अली इब्ने तालिब का योम विलादत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर सदीक ट्रेड सेंटर में खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर अजहर अब्बास शाह ने कहा कि अली इब्ने अबी तालिब इश्क रसालत, शुजात, इल्म, ईमान, सदाकत, अदालत और कजावत का इस्तआरा है। अली नबी तक रसाई का रास्ता खुदा की अब्दियत की मेराज है। पाक भारत जंग बंदी पर इक्वामे मुतहदा और अमरीका का खैर मकदम। इक्वामे मुतहदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गोतरस ने कहा कि पाकिस्तान और भारत की तरफ से जारी मुश्तरका बयान से हौसला मिला। उम्मीद है दोनों ममालिक में मजीद बातचीत की राह हमवार होगी। अमरीका ने भी जंग बंदी से मुतालिक पाकिस्तान और भारत के इकदाम को सराहा। तर्जुमान व्हाइट हाउस जेन साकी की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि हम दोनों मुल्कों की हौसला अफजाई करते हैं कि वो इस पेशरफ्त को मजीद आगे बढ़ाएं। LOC पर जंग बंदी जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुस्बत पेशरफ्त है। अर्जेंटीना के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयरस में हवा के बगोले ने शहरियों को खौफजदा कर दिया। बाद में मालूम हुआ कि वो मच्छरों का झुंड था। एक मोटरसाइकिल सवार ने वीडियो बना ली जिसमें देखा जा सकता है कि हवा एक बड़ा आग बगोला शहर की जानी भर रहा है
मोटरसाइकिल सवार का कहना है कि मच्छरों का झुंड बहुत ज्यादा था और मुसलसल बढ़ता ही जा रहा था, जो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। माहिरीन के मुताबिक झुंड शदीद बारिशों से बनने वाले तालाब से पैदा हुआ इंसानों के लिए खतरा नहीं, अलबत्ता फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।